पहले कॉलर से बात करें, बेंगलुरु से महावीर जैन हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास चंबल फर्टिलाइजर्स है, 1000 शेयर है, 360 के रेट से, और एनएचपीसी है 52 के रेट से, 11000। जी, तो मेरे को क्या करना चाहिए? कब तक का व्यू है आपका? सॉरी मैम, कितना लंबा व्यू है इन दोनों स्टॉक्स पे आपका? नहीं मैं लंबा लॉन्ग टर्म रह सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। ओके, चंबल फर्टिलाइजर और एनएचपीसी दोनों स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए आपकी? संदीप जी, दोनों को होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंबल बहुत ज्यादा परफॉर्म भी नहीं किया है, और एनएचपीसी पोस्ट जो इनका अभी ओएफएस था उसके बाद से बहुत बढ़िया कर रहा है, तो एनएचपीसी मुझे बढ़िया लगता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पावर सेक्टर पे काफी वैसे ही सरकार का फोकस है और सारे पावर स्टॉक्स चल रहे हैं, और ये यूफोरिक हो चुका था, बहुत बड़ा मूव दिया, वहां से करेक्ट भी हो चुका है। वही मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि काफी जो वीक हैंड्स है वो झड़े भी हैं, और काफी लोग जो ले रखे हैं वो लोग भी घबराए हुए हैं। तो आप 116 के लेवल से आज 92 के लेवल्स पे है, तो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल, इनको होल्ड करना चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत महंगा नहीं लगता है, रिजल्ट जरूर हल्के आए, सो पनिश भी किया मार्केट ने, बिल्कुल होल्ड करके रखे। चंबल फर्टिलाइजर, यस अगेन चंबल भी बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है एज कंपेयर टू अदर फर्टिलाइजर स्टॉक्स, जो पीएसयू स्टॉक्स है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बट वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे बढ़िया लगता है, और बिल्कुल इन लेवल्स पे होल्ड ही करना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं है मुझे, और ऊपर के लेवल्स जो है आराम से ये स्टॉक भी 400 प्लस के लिए आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक्स में आपको होल्ड करने की सलाह संदीप जी दे रहे हैं।